नमस्कार, बोल के लबाजात है तेरे बया हिसार शर्मा। दोस्तों, हिंदी में कहावत है मन मार लेना, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो आपका मन ना चाह रहा हो मगर फिर भी आपको करना पड़ता है। हालांकि हिंदी की एक और कहावत है थूक कर चाटना। और आज जो मैं आपके सामने विषय लेकर आ रहा हूं, दरअसल कहीं ना कहीं ये तमाम विषय और इनका ताल्लुक थूक कर चाटने के साथ है। सबसे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त ये नफरती चिंटू, पहले आम आदमी पार्टी का बागी विधायक और इस वक्त बीजेपी का नेता कपिल मिश्रा, एक बार फिर विवादों में, एक बार फिर समाज में जहर फैलाने का इन पर आरोप, और फिर ये शख्स अशोक पंडित, फ्लॉप फिल्म मेकर, एक बार फिर जहर उगलते पाए गए। हम इस कार्यक्रम में साथ ही चर्चा करने वाले हैं शिवसेना वर्सेस बीजेपी, सवाल यह कि पलक कौन झपकने वाला है। मगर शुरुआत करते हैं इस नफरती चिंटू के साथ। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मैं बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा की। दोस्तों, कल ट्विटर पे क्या हुआ कि कपिल मिश्रा के पक्ष में एक अभियान चलाया गया कि आई सपोर्ट कपिल मिश्रा, मैं कपिल मिश्रा के साथ हूं। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने उनके एक निहायत ही जहरीले ट्वीट को हटा दिया। वो ट्वीट क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो ट्वीट यह कहता है कि पॉल्यूशन कम करना है तो ये वाले पटाखे कम करो, दिवाली के पटाखे नहीं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक मुसलमान आदमी खड़ा है, दो औरतें भी खड़ी हैं जिन्होंने बुरखा पहना हुआ है और छोटे छोटे बच्चे कम। आप फिर से इसे पढ़िए, पॉल्यूशन कम करना है तो ये वाले पटाखे कम करो, दिवाली के पटाखे नहीं। छोटे बच्चों को कोई कैसे कम कर सकता है दोस्तों? आखिर एक शख्स के अंदर इतना जहर कैसे भर सकता है वो कि वो अपने ही देश के नागरिकों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में ये कह रहा है कि इन्हें पहले इन्हें पटाखा बताना और फिर कहना इन्हें कम करो जो पैदा हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसकी शुरुआत यहां से हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिवाली की शाम और पटाखे नहीं, दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया, दिवाली की बधाई। इसके ऊपर कपिल मिश्रा ने क्या कहा, मूर्ख आदमी, हिंदू लक्ष्मी पूजा करने के बाद पटाखे फोड़ते हैं, अब सुन धमाके हर तरफ, दिल्ली के हिंदू धुआंधार पटाखे चला रहे हैं, औकात हो तो अगली बार बकराईद पर ज्ञान देना घुंघरू सेठ। यानी कि आप खामखा यहां पे बकराईद को ले आए, खामखा आप इसमें मजहब ले आए। एक राज्य का मुख्यमंत्री सिर्फ इतना कह रहा है, और क्या कह रहा है दोस्तों, कि भाई दिल्ली दीपावली की शाम और पटाखे नहीं फूट रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आशावादी दिखाई दे रहे थे वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ और वाकई बाद में बहुत जोरों से पटाखे फूटे, हालांकि पिछले साल के मुकाबले में कम। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मेरा खुद का क्या मानना है दिवाली में पटाखे फोड़ने को लेकर। मेरा यह मानना है कि किसी एक दिन यह अपील करना कि साहब पटाखे मत फोड़ो और बाकी 364 दिन हम भूल जाएं प्रदूषण को लेकर, यह गलत है। मगर हां, पिछले 2-3 सालों से मैं खुद पटाखे नहीं फोड़ रहा हूं और यही शिक्षा मैंने अपने बच्चों को दी है। और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, जिस अपार्टमेंट्स में रहता हूं, यहां अधिकतर लोग पटाखे नहीं फोड़ते हैं। मगर मुद्दा वो नहीं है दोस्तों, मैं कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रहा था थूक के चाटने का। यह आदमी इस वक्त बीजेपी का नेता है, कैसे है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यह आदमी खुलेआम मुसलमानों के बारे में जहरीली बातें करता है और आज तमाम बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के नेता इसके साथ खड़े हुए हैं। कुछ ही महीनों की पहलों की बात है, ये दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एक लड़की की जासूसी करने का आरोप लगा रहा था। सुनिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। देखा आपने,
इतनी वाहियात और घटिया बात तो किसी प्रधानमंत्री के आलोचक ने खुल के नहीं कही, जो ये दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कह रहा है एक रिपोर्ट के आधार पर। अब एक और बात सुनिए, इस शख्स ने हमारे प्रधानमंत्री को रंगीला तक बताया, सुनिए। जिस दिन जो मन करता था हुकुम सुना देता था, जिस दिन जो मन करता था फरमान सुना देता था, आज सैकड़ों साल के बाद दिल्ली की गद्दी में एक और मोहम्मद शाह रंगीला आके बैठा हुआ है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? नरेंद्र मोदी, आजाद हिंदुस्तान का मोहम्मद शाह रंगीला। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आज इसके पक्ष में खड़े हुए हैं, ऑड इवन जब पहली बार दिल्ली में लागू हुआ था तब आप लोगों पर इसने किस तरह से तंज कसा था, ये भी सुनिए। व्हाई आई लव ऑड इवन, क्योंकि इससे ट्रैफिक कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, टाइम बचता है, और सबसे बड़ी बात, ऑड इवन से मोदी जी के भक्तों को मिर्च बहुत लगती है, दैट्स व्हाई आई लव ऑड इवन। और आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नफरती चिंटू, इस तरह की नफरती फुलझड़ी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि साहब इसका तो मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने इसको जो है मंत्री पद से हटा दिया था, और फिर इसने जहर उगलना शुरू किया। इसका कोई लेना देना नहीं था बीजेपी के साथ, इसने पहले जहर उगलना शुरू किया, इसने ये तक कहा कि मैं कभी बीजेपी में शामिल नहीं हूंगा। और आज न सिर्फ ये बीजेपी में शामिल है, बल्कि ये खुलेआम मुसलमानों को, दूसरे धर्म के लोगों को गालियां भी देता है। और कल जब इसे एक्सपोज किया गया था तब देखिए क्या कह रहा है। स्वाति चतुर्वेदी, यानी कि पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी, अभिसार शर्मा, इमरान प्रताप गढ़ी, पूरा फ्रॉड लिबरल गैंग, सारे आपिए चमचे और जिहादी सब एक साथ पगलाए हुए हैं। पगलाए नहीं हुए हैं कपिल मिश्रा जी, आपको एक्सपोज कर रहे हैं। और साथ ही हम उस सोच को एक्सपोज कर रहे हैं जिन्होंने आपको अपना लिया है, वो लोग जो थूक कर चाट रहे हैं, बावजूद इसके आपको बीजेपी में शामिल किया गया है। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि आदमी क्या है दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले की बात थी, और अब देखिए किस तरह से। हम बात कर रहे थे नफरती चिंटुओं की दोस्तों, तो एक और शख्स अब आपके स्क्रीन पर, इसका नाम है अशोक पंडित, फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर। ये पत्रकार एक ट्वीट करती हैं और मैंने जानबूझकर इनकी पहचान को छिपाया, और मैं आपको क्यों मैं बताता हूं। इन्होंने ये कहा कि 84 दिन गुजर चुके हैं दिवाली के इस मौके पर, हम ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों को नहीं भूले। इस पर यह शख्स सीधे इस पत्रकार के पिता पर हमला बोलता है। इसी वजह से मैंने इस पत्रकार की पहचान को छिपा रखा, हालांकि आप लोगों में से अधिकतर जानते हैं पत्रकार कौन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। क्या कहता है अशोक पंडित, आपका अब्बा बगदादी आज अमेरिका में मारा गया है, पटाखे फोड़ो और मनाओ दिवाली। यानी कि एक पत्रकार के पिता को एक आतंकवादी बताना, ये नफरती चिंटू किस हद तक जाएंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों। और दुख की बात यह है कि आप में से ऐसे कई लोग हैं जो इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों कि आप लोग अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर किस तरह से जहर भर रहे हैं। अगर आज की तारीख में आप अशोक पंडित के इस शर्मनाक ट्वीट से इत्तेफाक रखते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर समस्या वो पत्रकार या अशोक पंडित नहीं है, समस्या आप हैं। मैं मशवरा दूंगा आपकी माओ को, आपकी बहनों को, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति, आपके भाइयों और आपके बच्चों को, कि आपकी सोच से दूर रहें। क्योंकि अगर आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो आप जहरीले हैं, और आप जहरीले हैं तो आप अपने परिवार वालों के लिए एक अभिशाप हैं, एक शाप है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे, और आज हम बात कर रहे हैं कि मन मार के लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। अब ये शख्स दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम है, और न सिर्फ डिप्टी सीएम है बल्कि अब यह कहा जा रहा है कि साहब हो सकता है कुछ दिनों बाद इनके तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। तब ऐसा ना हो दुष्यंत चौटाला जी कि ना खुदा ही मिले ना विशाल सनम, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने चुनावी कैंपेनिंग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था, उस मुद्दे पर उन पर टिप्पणी की थी जिसे लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं।
उन्होंने हमला बोला था गुजरात दंगों को लेकर। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय दुष्यंत चौटाला। साथियों, मोदी जी आज फतेहाबाद आए और आकर सिख दंगों की बात कर कर गए, पर बताओ मोदी जी कि क्यों भूल जाते हो कि जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात में दंगे हुए, क्या उनको न्याय दिला पाए? आप प्रधानमंत्री थे हरियाणा के अंदर आगजनी हुई, एक बार भी उनकी तरफ आपने देखने का काम किया? दोस्तों, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। अभी फैसला आपको करना है कि ये काम दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है, क्योंकि यही बीजेपी अगर दुष्यंत चौटाला शामिल नहीं हो जाते तो इस महानुभव गोपाल कांडा को का समर्थन लेने को तैयार हो गई थी, वो गोपाल कांडा जिसके चलते एक गीतिका शर्मा और उसकी मां दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो यह हालत है, सत्ता पर बने रहने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं थूक कर चाटना। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके सामने बात रखी थी शिवसेना बनाम बीजेपी की भी, और यहां पर भी मुझे देखना होगा कि आखिरकार किसे मन मारना होगा। दरअसल वो जो कहावत है, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूं क्योंकि बहुत, जिसे कहते हैं ना, कड़वी कहावत है वो, मगर इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि शिवसेना के नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं। दोस्तों, यहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई दुष्यंत चौटाला नहीं है, यानी कि जो इस वक्त हरियाणा के डिप्टी सीएम, यहां किसी के पिता जेल में नहीं है, हम महाराष्ट्र के अंदर सत्य की राजनीति करते हैं, अगर कोई हमें ताकत से सत्ता से दूर रखना चाहेगा तो यह सत्य की राजनीति नहीं है, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और लोग किस निचले स्तर तक जा सकते हैं। यह बात किसी और ने नहीं, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कही, और किसके बारे में कही? बीजेपी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त खासी चिंतित है उनके तल्ख तेवरों से, जिसके जवाब में पार्टी ने कहा है कि शिवसेना के तेवर से बीजेपी हाईकमान नाराज, कहा आग उगलना बंद करें वरना किसी प्रस्ताव पर नहीं होगी चर्चा। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में सब कुछ भुला के समझौता हो जाता है, इसका मतलब यह होगा कि किसी एक पक्ष को कुर्बानी देनी पड़ी है, क्योंकि शिवसेना क्या मांग कर रही है कि शिवसेना के आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए। बीजेपी इसे कतई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस, जिनके नेतृत्व में पार्टी को 100 सीटें मिली, उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब देखने लायक बात यह होगी कि क्या होगा, क्योंकि संजय राउत ने एक और बयान में कहा है कि हम नहीं चाहते कि हम कोई और विकल्प तलाशें और वैसा गुनाह हम करें। और जब विकल्प की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक पेशकश की है कि शिवसेना जो है इस मोर्चे में आ जाए, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, और शिवसेना जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर भी बना सकती है। जाहिर सी बात है कि यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहती है। सवाल आज यहां मैं आपसे यही करना चाह रहा हूं दोस्तों कि सियासत तो चल रही है, मगर सत्ता में बने रहने के लिए, अपने व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हर कोई मन मारने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में अगर समर्थन या समझौता हो जाता है बीजेपी और शिवसेना में, तो किसे वो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, किसे शर्मसार होना पड़ा, किसे झुकना पड़ा। मगर यह सियासत है, इस सियासत को लेकर तो कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल, बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।